वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो आज है नवरात्रों का तीसरा दिन और व्रत की रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ पिछले 2 दिनों। तो आज का मतलब शुरुआत होगी मॉर्निंग में, वही काम सुबह नहाना धोना, फिर 2 जनों का व्रत है, 2 जनों के लिए खाना बनाना। फिर सुबह तो नाश्ते में पराठे बन गए थे, सुबह काम हुए, पूजा कर ली। तो अब जा रही हूँ मैं, अंगूर लेकर आई थी मैं, तो थोड़े खट्टे से थे तो खाए नहीं हमने। व्रत में अंगूर खाने के लिए लेकर आई थी, खाए नहीं और वो अंगूर वैसे ही पड़े हैं। तो अब उसका भी कुछ इलाज किया जाए, तो अब जा रही हूँ मैं उस अंगूर से अब जैम बनाने। तो अंगूर का जैम बनाऊंगी और उसके बाद दोपहर को तो गुप्ता जी आएंगे नहीं, और बेटे ने भी नाश्ता में पराठे हुए थे और सब्जी थी, आलू सब्जी बना रही थी, खा रही है बस। उसके बाद शाम को मैं फिर दोबारा नहाती हूँ, फिर दोबारा पूजा, मतलब शाम की पूजा करने के बाद फिर शाम को करूँगी डिनर की तैयारी। तो आज का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है, मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, हाँ, इन 9 दिनों में बिना प्याज और लहसुन के मतलब खाना बनाती हूँ घर में। तो जो भी डिनर में बनाऊंगी बिना प्याज और लहसुन के बनाऊंगी। तो मेरे बिना प्याज और लहसुन की रेसिपीज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको मेरी रेसिपीज पसंद आएंगी। तो प्लीज कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि बिना प्याज लहसुन की और कौन सी रेसिपीज आप लोग मुझसे मेरी वीडियो में देखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अंगूर को इस तरह धोकर मैंने पानी में रख दिया था। अब इसे अच्छी तरह से धोने के बाद हम मिक्सर जार में इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो इसको ना तो मैंने काटा है, अंगूर फ्रेश क्वालिटी के थे और काफी अच्छे थे, बस थोड़ी सी खटास बच्चों को ना पसंद नहीं आ रही थी तो खाई नहीं, और उसमें तबीयत भी खराब हो गई थी हमारी। आपके साथ मैंने शेयर किया था, बुखार हो गया था तो इस वजह से ये फ्रिज में रह गया। तो अब मैं फाइनली इसे जा रही हूँ, इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी, ना तो उबालूंगी ना ही इसे काटूंगी। और इसका स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद इसका बनाऊंगी जैम, और ब्रेड के साथ ना जैम बहुत अमेजिंग लगता है और बच्चे बहुत पसंद से खा लेते हैं। तो इसमें ये तो अंगूर का जैम बना रहे हैं, आप इसमें मिक्स फ्रूट का जैम भी बना सकते हैं, और भी जो भी फ्रूट्स है, एप्पल और अनार, पाइनएप्पल, और मतलब जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हो, संतरा, जो भी, आप सभी का पल्प निकाल के अच्छी तरह से फिर उसका जैम बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अंगूर का जैम की रेसिपी। तो चलिए अंगूर का एक पेस्ट बनाते हैं। देखिए अंगूर का ये मैंने पल्प बना लिया है और अब फ्राई पैन रख दिया है। बस फ्राई पैन गर्म हो गया है, अब यहाँ पे ये हम डाल देंगे। आधे किलो अंगूर में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी चीनी। तो मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना चाहिए आप उतना रख सकते हैं। चीनी डाल दी और चीनी भी अंगूर के साथ ही पक जाएगी, मेल्ट हो जाएगी अच्छी तरह से। और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही अच्छी तरह से पकाना है, और जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा। देखिए ये है, करीब इसे 10 मिनट हो चुके हैं और ये पक चुका है और इस तरह से एक होने लगा है। अब यहीं पर मैं डाल दे रही हूँ फूड कलर, ये ग्रीन वाला फूड कलर है, तो आप यहाँ रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑप्शनल है फूड कलर, आप चाहें तो डालिए वरना मत डालिए। ऐसा होता है ना, कलर डालने से थोड़ा अच्छा एक लुक आ जाता है और बच्चे फिर पसंद से खा लेते हैं। तो यहाँ पर अंगूर का क्योंकि कलर जो था ग्रीन होता है, तो मैं ग्रीन कलर ही डाल रही हूँ, और देखने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और खाने में इसका टेस्ट तो मतलब बहुत ही अच्छा है। तो बस अब ये फ्राई पैन में इकट्ठा होने लगा है, तो और ये ठंडा होने के बाद भी जमेगा। तो बस देखिए इस तरह हो रखा है। अब मैं एक मिनट और इसे इस तरह से पका लूँगी और उसके बाद गैस का फ्लेम कर दूँगी बंद। तो इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए मैंने पका लिया है और देखिए ये अच्छी तरह से इकट्ठा हो रहा है। गैस का फ्लेम कर दिया बंद। अब इसे अच्छी तरह से ठंडा कर कर मैं इसे कंटेनर में कांच की बोतल में इसे स्टोर कर लूँगी। अब यहाँ पर दोपहर को पराठे बना रही हूँ मैं, क्योंकि हम दो लोगों का तो व्रत है, मेरा और मेरी बेटी का, लेकिन मेरे बेटे ने पहले दिन तो रखा था। अब उसके लिए मैं पराठा बना रही हूँ और क्योंकि ना पराठे गर्म ही अच्छे लगते हैं तो गर्म ही उसे मतलब खाना पसंद है, तो उसको दे दिया मैंने पराठा और सब्जी। और यहाँ पर अब थोड़ी कर रही हूँ घर की सफाई। और ये देखिए आज क्या हो गया, आज ना मेरा ट्राइपॉड गिर गया और ट्राइपॉड टूट गया मेरा, तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मैंने उसको साइड में रख दिया है, अब बाद में देखूँगी उसे। और यहाँ पर चद्दर बिछा ले रही हूँ मैं बेड पर, और पोछा तो मैंने सुबह ही लगा लिया था। तो बस ट्राइपॉड को रख दिया है साइड में। अब सोचिए थोड़े से बर्तन हो गए थे, हमने भी चाय बनाकर पी थी, तो व्रत में ना चाय तो 2-3 बार हो जाती है। ठंडा होने के लिए रख दिया था मैंने, और मैं जाके लेट गई, थोड़ी आँख लग गई थी, देख रहे ना आँख तो थोड़ी सूजी हुई है और ना मतलब काफ़ी थकान सी हो रही है। हमेशा रखती हूँ मैं 9 दिनों का व्रत, लेकिन इस बार कुछ थकान सी महसूस हो रही है। फिर भी 3 दिन बीत चुके हैं और काफ़ी अच्छा लगता है जब माँ की सेवा करो तो काफ़ी अच्छा फील होता है और अच्छी फीलिंग आती है। तो देखिए जैम बना लिया और उसे इस तरह कांच की बोतल में मैंने स्टोर कर दिया है और काफ़ी अच्छा लगता है। इसे गरम गरम पराठों पर आप लगाइए और बहुत ही टेस्टी लगता है। ब्रेड पे लगा के खाइए, पराठों पे लगा के खाइए, बहुत ही टेस्टी। और आई होप आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो आधा किलो अंगूर का बनाया था मैंने, तो इतना ही बना है और ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा बनाऊंगी मैं। और अब जा रही हूँ मैं डिनर की तैयारी करने की, 2 लोगों का व्रत और 2 लोगों के लिए खाना बनाना है। तो आज बना रही हूँ मैं पाव भाजी, तो बिना प्याज और लहसुन की बनेगी ये पाव भाजी। और आज ना वाकई बहुत ही टेस्टी बनी थी पाव भाजी। कहते हैं ना जब माता का आशीर्वाद हो तो मतलब बिना ज़्यादा कुछ मसालों के भी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन जाती है। तो मैंने गोभी, गाजर, आलू और मटर, बस इतनी ही सब्जियां ली हैं। शिमला मिर्च मुझे मिली नहीं, तो बस यही सब्जियां ले ली और इस तरह से काट लिया है। और 1 चम्मच घी में जीरा डाल दिया, 1/4 चम्मच जीरा लाल हो गया है। अब सभी सब्जियों को मैं यहाँ पर डाल दूँगी, मटर को भी नहीं डालूँगी क्योंकि मटर डालने के बाद ना वो फूटने लगते हैं। तो पहले मैं इन तीनों को, ये आलू, गोभी और गाजर को अच्छी तरह से चलाते हुए फ्राई कर लूँगी। और इस तरह से फ्राई करने के बाद इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे, जिससे सब्जियों में एक अच्छा सा क्रंच भी आ जाता है और अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं, तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस लगातार चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और सब्जियां हल्की हल्की लाल भी हो गई हैं, सब्जियों का कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, इससे क्या होता है पाव भाजी का जो कलर होता है ना वो कलर आ जाता है। और खाने में आज की पाव भाजी यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो यहीं पे सब्जियों के स्वाद अनुसार मैंने डाल दिया है नमक और इसे भी अच्छी तरह से मिला दिया है। बस 1 मिनट और इसी तरह से चलाते हुए मैं कर लूँगी फ्राई। और मटर भी यहीं डाल दिए हैं क्योंकि साथ में मटर को भी मैंने फ्राई कर लिया है। तो सब्जियों के फ्राई होने के बाद बस मैंने मटर डाल दिए थे और मटर फूटने ही लगे थे, मैंने मिर्च और नमक डाल दिया है और इसे भी चला लिया है। तो 1 से 1.5 मिनट हो गया था, तो यहीं पर मैंने डाल दिया है आधा गिलास पानी। तो बस अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और सीटी लगा, कुकर का ढक्कन लगाकर 3 से 4 सीटियाँ लगा देंगे जब तक कि हमारी सब्ज़ी एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। तो सब्जियों को हमें सॉफ्ट कर लेना है। और यहाँ पर ले लिए हैं 3 टमाटर, इस तरह से लाल टमाटर ले लिए हैं मैंने और इस तरह से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही 2 हरी मिर्च और 1 छोटा अदरक का टुकड़ा लिया है, इस तरह का उसे छील लिया है। अब इन सभी का एक फाइन प्योरे बनाऊंगी मैं। दो ही हरी मिर्च ली है, बाकी थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालने वाली हूँ मैं यहाँ पे। तो अदरक इतना सा लिया है, तो अदरक के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, इससे क्या होता है ना टमाटर के साथ अच्छी तरह से पिस जाते हैं। तो बस अब इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। पाव भाजी में ना इसका टेस्ट बहुत है। आज ये चुकंदर भी नहीं लिया है मैंने, एक्चुअली बारिश थोड़ी बहुत हो रही है और ऐसा मतलब दिन हो गया ना कि मतलब सब्ज़ी वाले भी गली में बहुत कम आ रहे हैं। तो देखिए टमाटर भी पीस लिया मैंने, यहाँ फ्राई पैन रख दिया है गैस पे। फ्राई पैन हो गया गर्म तो यहाँ पर डाल दिया मक्खन, घी या मक्खन जो भी आप पसंद करें वो आप चाहे तो घी और मक्खन को मिला के डाल दीजिए, मैं यहाँ सिर्फ मक्खन ही डाल रही हूँ। और जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी उसे यहाँ डाल दिया है। अब इसे हम बस लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से पक न जाए और तेल न छोड़ने लगे। तो इसे चलाते हुए हम पका लेंगे अच्छी तरह से। और यहीं पे थोड़ा सा मैं डाल दूंगी पानी, मिक्सी जार में था उसे मैंने रख दिया है साइड में, ज़रा टमाटर पक जाए फिर डालूंगी। और यहाँ पर नमक डाल देंगे टमाटर को पकने के लिए, तो स्वादानुसार नमक, पहले हमने सब्जियों में नमक डाल रखा है तो नमक उसी हिसाब से डाल लेंगे। तो मैं उसी हिसाब से यहाँ नमक डाल रही हूँ। और थोड़ी सी मैं मिर्च भी डाल रही हूँ, पहले कश्मीरी लाल मिर्ची डाल रखी है और यहाँ पर लाल मिर्ची डाल रही हूँ। तो ज़्यादा तीखी मिर्च नहीं है, ये कम तीखी वाली लाल मिर्च है तो वो भी डाल दिया है। इससे सब्जी में तीखापन भी आ जाएगा और जो कलर है पाव भाजी वाला वो तो आ ही जाएगा, हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली रखी है। तो बस इसे चलाते हुए फ्राई कर लिया है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय में ये पाव भाजी बनकर तैयार हो जाती है। और टमाटर को अब पकने देना है हमें अच्छी तरह से, जब तक कि टमाटर एकदम अच्छी तरह से इसका जो ग्रेवी है वो गाढ़ा ना हो जाए और तेल ना छोड़ने लगे। तो 2 से 3 मिनट का समय लगेगा इसे भी। और ये देखिए टमाटर पकना शुरू हो चुका है। और यहीं पे डाल देंगे पाव भाजी मसाला। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच पाव भाजी मसाला। और ये एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला मैंने पहले भी बताया था, मैं यही इस्तेमाल करती हूँ और मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। अब बस पाव भाजी मसाला डालने के बाद इसे भी लगातार चलाते हम फ्राई करेंगे जब तक कि मसाले तेल ना छोड़ दें। तो थोड़ी देर हमें मसालों को भी इसी तरह से भून लेना है। तो देखिए मसाले भी भून रहे हैं और बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो इसी तरह से चलाते हुए मैं 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर मसालों को अच्छी तरह से टमाटर के साथ भून लेना, इससे इसका टेस्ट ना पाव भाजी में बहुत ही अमेजिंग आता है। तो यहाँ थोड़ा सा पानी मैंने बताया था मिक्सी जार में ले लिया था उसे भी यहाँ डाल दिया है। और इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे भी बस 2 मिनट और पकाएंगे हम। और देखिए पानी जो डाला था मैंने वो भी देखिए जल चुका है और ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है, मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो बस सब्जी जो हमने उबाली थी उसे चेक कर लेंगे। तो उसमें मैंने ना सब्जी उबाला था तो पानी है और सब्जियां गल चुकी हैं। तो बस ऐसे मैं पलट दे रही हूँ, पानी के साथ ही इसे यहाँ पलट देंगे। और अब पाव भाजी मैशर की सहायता से हम सब्जियों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो इस तरह से दबाते हुए मैं सभी सब्जियों को अच्छी तरह से इसमें मैश कर लेना है। और अब बस इसे धीमी आंच पे ही हमें 2 से 3 मिनट पकने देना है सब्जियों को मैश करने के बाद। और जब आप सब्जियां मैश करेंगे ना आप देखेंगे कि बिल्कुल पाव भाजी वाला लुक ही आ रहा है। तो इसी तरह से मैंने मैश कर ली सब्जियों को, अब इसे 1 मिनट और पकने दूंगी। और पता ही है जब ऐसी चीज़ें बनती हैं तो बच्चों के नाक में खुशबू पहले पहुंच जाती है। तो भूख लग चुकी है और आवाज़ आ रही है मम्मी और कितना वक्त लगेगा। तो बस अब पाव भाजी तैयार है, पाव सेकूंगी। और गुप्ता जी भी आए नहीं हैं आज, उनको लेट हो रहा है। तो 8 बजने वाले हैं और पाव भाजी रेडी हो चुकी है। अब मुझे ना व्रत के लिए अब आज सिर्फ आलू, मैं सोच रही हूँ आलू ही फ्राई करूँगी। तो हम माँ बेटी अपने लिए आलू फ्राई कर लेंगे। तो आलू काट लिया मैंने, काट कर धोकर रख दिया साइड में। बस इसे बनाने के बाद मैं पाव सेक लूँगी और फिर गैस साफ़ करके मैं अपने लिए आलू फ्राई कर लूँगी। तो आज कुछ मन भी नहीं कर रहा था कुछ और बनाने का, तो मैं सिर्फ आलू ही बना रही हूँ व्रत के लिए। अब इसे धीमी आंच पे मैं पकने दूँगी। देखिए कितना अच्छा लुक आया, कितना अच्छी लग रही है ना सब्ज़ी देखने में, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनी हुई थी आज की पाव भाजी। काफ़ी तारीफ़ की बच्चे ने और उसके पापा ने, काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है हल्का सा, क्योंकि थोड़ी देर और पकाना है मुझे इसे। और हल्की सी सब्ज़ी को और मैश कर दिया इस तरह से। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। तो ट्राई कीजिए आप भी इस तरह से बिना प्याज और लहसुन की भाजी, और काफ़ी टेस्टी बनती है ये। और बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि हमने इसमें प्याज और लहसुन इस्तेमाल नहीं किया है, टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आया है। और यहाँ पकते हुए देखिए 2 से 3 मिनट हो गए थे। तो इसे थोड़ा सा मैश कर दिया मैंने। अब तैयार हो चुकी है सब्ज़ी, पूरी तरह से गाढ़ी भी हो चुकी है, जितनी मुझे थिकनेस रखनी थी उतनी तैयार हो चुकी है। और कुछ दिनों पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा भी था कि मतलब पाव भाजी की रेसिपी आप मुझे बताइए बिना प्याज और लहसुन की। तो मैंने कहा था हाँ मैं शेयर करूँगी। तो ये सडनली प्लान भी बन गया घर में पाव भाजी बनाने का। तो यहाँ पर देखिए आधा नींबू का रस डाल दिया है मैंने, बीज निकाल दिए थे और नींबू का रस डाल दिया है, और ऊपर से हरा धनिया। अब इसे मिला देंगे और मक्खन डालकर इसे करेंगे सर्व। तो पाव भाजी रेडी हो चुकी है हमारी। अब पाव सेकना है और बस पाव भाजी रेडी है। तो चलते हैं अब पाव सेकते हैं। और इसे ढककर मैं साइड में रख देती हूँ। तो यहाँ आज नॉनस्टिक तवा नहीं लिया है, रोटी जिस पे बनाती हूँ उसी तवे पे मैंने मक्खन डालकर इस तरह से पाव को काट लिया था बीच में से, और उसे इस तरह से डालकर अच्छी तरह से दबाते हुए सेक लिया है। आज हरा धनिया भी नहीं डाल रही इसमें, मसाले भी नहीं। तो बस इसी तरह से इसे अच्छी तरह से मक्खन लगाकर सेक लिया पाव को। और अब जारी में पाव भाजी सर्व करने गुप्ता जी आ चुके हैं। तो चाय मैं उन्हें बाद में दूंगी क्योंकि टाइम हो चुका, 8:30 हो चुके हैं। अब मैं पहले पाव भाजी खा लेंगे फिर उन्हें चाय दूंगी। तवे पे ही चाय का पैन रख दिया है, तवा गर्म है तो चाय भी गर्म हो जाएगी। 1 कप चाय है, गर्म हो जाएगी और भाजी भी गर्म है। तो बस अब इसे कटोरी में निकाल लूँगी और ऊपर से डाल दूँगी मक्खन। तो एंजॉय कीजिए आज ये पाव भाजी। और कैसी लगी ये रेसिपी प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइए। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।